universe is India. भारत ने 21 साल बाद मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। चंडीगढ़ की हरनाज संधू ने देश को ये गौरव दिलाया है। मिस यूनिवर्स के नाम का ऐलान होने पर हरनाज संधू भावुक हो गई और देश के नाम पहले संदेश में उन्होंने कहा, चक दे फट्टे इंडिया, चक दे फट्टे। भारत इस खिताब का पिछले 21 सालों से इंतजार कर रहा था। 70वां मिस यूनिवर्स प्रेजेंट 12 दिसंबर को इजराइल में हुआ। इसमें हरनाज ने 79 देशों की सुंदरियों को पीछे छोड़ते हुए मिस यूनिवर्स का ताज पहना। मिस यूनिवर्स की रनर अप मिस फरकावे नारिया फेरेरा और सेकेंड रनर अप मिस साउथ अफ्रीका ललेला मसवानी रही। बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला को मिस यूनिवर्स कंटेस्ट को जज करने का मौका मिला था। वह भारत की तरफ से ज्यूरी टीम का हिस्सा थी। चंडीगढ़ की मॉडल और एक्टर हरनाज संधू ने 70वें मिस यूनिवर्स का ताज अपने नाम कर सुष्मिता सेन और लारा दत्ता के बाद मिस यूनिवर्स जीतने वाली तीसरी इंडियन बन गई हैं, जिन्होंने ब्यूटी और ब्रेन के इस कंटेस्ट में बाजी मार ली है। आपको बता दें कि इससे पहले सन 1994 में सुष्मिता सेन ने मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम किया था और देश का नाम ऊंचा किया था। इसके बाद साल 2000 में लारा दत्ता ने जीत हासिल की थी। अब साल 2021 में देश का गौरव बढ़ाया है हरनाज संधू ने, जिन्होंने दुनिया भर में आई कंटेस्टेंट्स को हराकर ये जीत हासिल की है। इस टाइटल को जीतने से पहले हरनाज मिस इंडिया 2019 का भी हिस्सा रही हैं। वह टॉप 12 में भी रही थी। हरनाज ने मिस इंडिया पंजाब का भी खिताब जीता है। इसके अलावा वो मिस दिव्या यूनिवर्स इंडिया 2021 का भी टाइटल अपने नाम कर चुकी हैं। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।